और बात करते हैं बड़ी खबर की। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में बात कही है। छात्रों का यह कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी पीएससी दफ्तर के बाहर अभी भी छात्रों का हुजूम इकट्ठा है। छात्र मांग कर रहे हैं कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाए। नॉर्मलाइजेशन का वो विरोध कर रहे हैं और इस दौरान उनकी तरफ से बात भी कही जा रही कि जब तक उनको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है उनका आंदोलन चलता रहेगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर आयोग की तरफ से डेट अनाउंस की गई और उसके बाद से छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीते तीन दिनों से छात्र आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ताली बजाकर थाली बजाकर वो मांग कर रहे हैं कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाए। इस बीच आयोग के अधिकारियों की तरफ से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से छात्रों से संवाद और बातचीत की कोशिश की गई है लेकिन समाधान अभी तक निकला नहीं। ये हमारी मांग ये है कि वन शिफ्ट वन डे हम एग्जाम कराना चाहते हैं और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है हम लोग पूरी तरह से। सरकार ये जो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठाई है इससे आगे चल के बड़े पैमाने पे यहाँ पे धांधली होगी और धांधली के खिलाफ ये सारे छात्र एकजुट हुए हैं। ये बताइए कि दो दौर की प्रशासन ने भी आपसे वार्ता की, जिलाधिकारी आए, आयोग के सचिव रात को आए थे, पुलिस कमिश्नर आए, क्या उनसे बातचीत हुई और क्यों बात नहीं बन पा रही है? आपको लगता कहाँ है कि कहाँ पर अभी समस्या है जो बात अटकी हुई है और इस बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल रहा है? सर, हम लोगों की मांग एक ही है, वन शिफ्ट और वन डे एग्जाम करा जाए क्योंकि हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए और सीधे सीधे हमको सरकार और आयोग से यही मांग है कि हम लोगों को एक शिफ्ट में और एक डे में एग्जाम कराया जाए। हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए और जितने भी लोग पदाधिकारी जो भी आए हैं, डीएम साहब आए हैं और जो भी आए हैं वो बस हम लोगों को समझा रहे हैं, फायदे गिना रहे हैं लेकिन हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। सर, हमारी मांग है कि वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए और जब एग्जाम वन डे वन शिफ्ट में हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं आएगी। वही प्रतियोगी छात्रों का आरोप ये भी है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद परीक्षा की प्रक्रिया में किसी तरह का बदलाव सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक नहीं हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील का यह कहना है कि यूपी लोक सेवा आयोग का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना है। इसके खिलाफ वो अभ्यर्थियों की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अवमानना की याचिका भी दाखिल करेंगे। प्रयागराज में डीएम रविंद्र कुमार और साथ ही पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के कुछ अधिकारियों ने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की। बताया गया कि परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता के लिए 41 जिलों में परीक्षा करवाई जा रही है। कहा गया कि नकल को रोकने के लिए ही अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा करवाई जा रही है। हालांकि प्रतियोगी छात्र अधिकारियों की इस बात से सहमत नहीं है। केवल हम फिर उसमें अगर वे उस चीज को अनसुना कर दें तो फिर आपका बैठने का वो औचित्य भी काफी हद तक भ्रमित हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है आप सब लोग, मैं फिर आप कहता हूं कि आज आप उधर हैं कल को इधर भी होंगे। लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और आज विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है। आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर तमाम प्रतियोगी छात्र बैठे हुए हैं। इनके हाथों में पोस्टर बैनर है और अनूठे अंदाज में खाली बोतलें पटक कर इसके साथ साथ ड्रम बजाकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ और पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों से बातचीत की कोशिश की है, उन्हें समझाने की कोशिश की, एक बार फिर से कहा कि करीब 10 से 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल बना लें और उसी प्रतिनिधिमंडल के जरिए वो टेबल टॉक करें, आयोग के सचिव से उनकी मुलाकात कराई जाएगी, उसके बाद उनके जो ग्रीवांसेज हैं उसको सामने रखा जाएगा। और अभी भी जो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर और डीएम हैं ये दोनों अधिकारी लगातार प्रतियोगी छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल बनाएं और उसके बाद वो टेबल टॉक के लिए तैयार हों। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी एक ही मांग है कि जो पीसीएस प्री 2024 की परीक्षा है जो 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित है, इसके अलावा आरओ एआरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2023 की जो कि 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित है, दोनों परीक्षाएं एक दिन में एक शिफ्ट में किया जाए और नॉर्मलाइजेशन का विरोध करें, यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए।
यूपीपीएससी दफ्तर पर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। अखिलेश ने लिखा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवाए जा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के ढोंग का भंडाफोड़ हो चुका है, छात्र कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। उसने धमकी का वीडियो भी जारी किया है। इस धमकी भरे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद यहां पर राम जन्मभूमि परिसर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी खुद भी मौके पर मौजूद हैं और परिसर की सघन तलाशी भी ली जा रही है। ये वीडियो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी वीडियो में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है खालिस्तानी आतंकी के जरिए, जिसके बाद पूरे परिसर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पूरा वहाँ पुख्ता व्यवस्था है और एक सुरक्षा योजना के तहत वहाँ डिप्लॉयमेंट होता है। तो हमारे जो श्राइन है और उसका येलो जोन है, पूरे अयोध्या सिटी में हमने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है और जब भी इस तरह के कोई भी थ्रेट्स आती हैं हम उसका स्वतः संज्ञान लेते हैं। राम मंदिर की सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने पूरे परिसर का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया है। धमकी भरे वीडियो की जानकारी मिलने के बाद राम जन्मभूमि परिसर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वरिष्ठ अधिकारी खुद भी मौके पर मौजूद हैं और परिसर की सघन तलाशी भी ली जा रही है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, ATS और BDS की टीम एक्टिव मोड पर है। इसके साथ ही PSC, CRPF और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान रामनगरी की सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। सुरक्षा के पर्याप्त पुख्ता इंतजाम हैं, सभी लोग अलर्ट हैं। पूरे मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन में सेक्टर में विभाजित करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरुवंत पंत सिंह पन्नू के द्वारा राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद राम मंदिर प्रशासन हाई अलर्ट है। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में दर्शन मार्ग से ही सुरक्षा बलों को तैनाती की गई। इसके अलावा मंदिर परिसर में CCTV लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, CRPF और PSC के जवान हर एक व्यक्ति पर नजर रख रहे हैं। चूंकि रामनगरी में पारंपरिक प्राचीन परिक्रमा मेला चल रहा है, ऐसे में पूरे रामनगरी की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। ATS और BDS की टीमें इसके साथ ही खुफिया एजेंसी भी अलर्ट मोड पर हैं। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज 18 अयोध्या।